लुका 17 उसका 32-33 लुका 17 का 32 32 लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत के पत्नी को स्मरण रखो। लूत का पत्नी कौन है? एक किसके बारे बता रहा है? लूत, उसके पत्नी, उसके दो बेटियों को सोदम और गोमरिया करके देश से परमेश्वर ने निकाला। सोदम और गोमरिया को परमेश्वर क्या करने वाला था? जलाने वाला था, आग से जलाने वाला था। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग होमोसेक्सुअलिटी यानी पुरुषगामी, पुरुष पुरुष के साथ करते थे। तो परमेश्वर जो है उस जगह को का न्याय कर रहा था, जला रहा था। तो परमेश्वर ने क्या किया? लूत के वाइफ को और उसके पति को और उनके दो बेटियों को बाहर खींच कर निकाला और उनसे कहा गया था कि पीछे मुड़ के ना देखना। आपको परमेश्वर ने संसार से बाहर निकाला, संसारिक चीजों से बाहर निकाला, संसार के पापों से बाहर निकाला। आमीन। और उनको निकाल कर स्वर्गदूत ने एक संदेशा दिया था। क्या दिया था? कि पीछे मुड़ के ना देखना। क्या ना देखना? पीछे मुड़ के ना देखना। और लूता की वाइफ क्या किया? वो पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखा तो क्या हो गया? नमक का खंभा बन गया। पीछे मुड़ के देखा। उसके बाद आगे वहां पर बता रहा है लूका 17 उसका लूका 17 का 33 जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, वो उसे खोएगा। और जो कोई उसे खोए, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। वाह 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 वाह। अब यहाँ पर प्राण बचाना चाहेगा तो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह जीवित रहेगा। प्राण बचाना चाहे, एक कौन सा संदर्भ में बता रहा है? लूत के पत्नी के संदर्भ में, कि वो पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंभा बन गया। इसको याद रखना, कॉन्टेक्स्ट को याद रखना, किस लिए बोल रहा है। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा, उसका मतलब प्राण को बचाना चाहेगा मतलब उसका अर्थ क्या है? लगाव, प्राण का अटैचमेंट, लगाव। लूत का पत्नी जो है उसका लगाव जो था, भले ही उसको उस देश से बाहर निकाला, लेकिन जैसे जा रहा था बोला, अरे बाबा मेरा घर जल रहा है, मेरा वो जल रहा है, मेरा ये जल रहा है, एक बार पीछे मुड़ के देखूं कुछ बचा के नहीं। मन में युद्ध चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है लेकिन मन में युद्ध चल रहा है। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे वार्निंग दिया था, पीछे मुड़ के बना देख। आपको मालूम है जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, यहाँ पर जो कुछ अब बनाया सब छोड़ के जाना पड़ेगा। उस समय भी अब सोचते रहे, अरे मैं जा रहा हूँ, जाएगा तो मेरा घर कोई और कोई रहेगा। भाई तेरे को परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है, तेरा सोच कहाँ पर पड़ा हुआ है? संसार में पड़ा हुआ है कि मेरा घर क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, मेरे ये चीज का जो मैंने बैंक में रखा उसका क्या होगा। नहीं, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा मतलब योर अटैचमेंट टू योर सोल, इट्स काउंट्स अ लॉट। आपका जो बंधन है, आपका जो लगाव आपके प्राण से, बहुत ही वो मायने रखता है। आमेन। योर अटैचमेंट टू योर सोल शुड बी जीसस एंड जीसस अलोन। आपका जो बंधन है आपके प्राण से, केवल यीशु और यीशु ही होना चाहिए। आपका प्राण का जो जुड़ाव है, जो 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 लगन है, वो यीशु ही होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ये बोला कि नहीं, चीज तेरे साथ में आएगा, नहीं बोला चीज तेरे पीछे आएगा। यीशु से जुड़ेगा, चीज तेरे पीछे आना चाहिए। तो तू चला जाएगा तो भी तेरे सब पीछे रह जाएगा वो चीज, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कोई को कोई चीज मिला इतना जुड़ जाता है, अपना जान मार देगा लेकिन उसको चीज को छोड़ेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको वार्निंग दे रहा है, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा, अपने आप से पूछो इस वक्त कि आपकी प्राण के लगाव क्या है। What is your attachment to your soul? आपका प्राण का लगाव क्या है? आपके पास सारा चीज हो सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर बोलो वो चीज दे दो तो कल वो चीज आप दे सकता है। उसका मतलब किसी से अटैच नहीं है, कोई चीज आपको रोक के नहीं रख सकता, कोई चीज आपको पकड़ के नहीं रख सकता, कोई पैसा कोई दौलत आपको पकड़ के नहीं रख सकता। आपका पकड़ केवल यीशु है। इसलिए लूता के वाइफ को देखकर वो खंभा बन गया, नमक का खंभा बन गया। परमेश्वर बोल रहा है जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो अपने प्राण को खोएगा इसके लिए, यीशु के लिए, वो उसे पाएगा। मेरी बहन, किसे आपका लगाव क्या है? आपका लगाव क्या है? आपका लगाव क्या है? आपके आपके प्राण में यानी मन भावना इच्छा में लगाव क्या है? प्रभु आपको भरना चाहता है, हर चीज देना चाहता है, लेकिन कोई चीज से आपको लगाव नहीं होना चाहिए। You're not attached to anything. आप किसी और चीज से कुछ भी लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव तेरा केवल यीशु। अगर ऐसा है तो you are safe. आप बच गए हैं। अगर ऐसा है तो it's safe for you.
आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बचाव है। आमेन। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, पैसा जब नहीं रहता है कलीसिया में आपको रोज दिखाई देगा, जैसे पैसा आ जाएगा फिर आता नहीं है। क्यों? वो पैसा उसको अटैच्ड हो गया, उससे जुड़ गया वो। इसलिए बाइबल बड़ा स्पष्टता के साथ बोलता है, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो खोएगा किसके लिए, यीशु के लिए खोएगा, वो उसे पाएगा। आपके पास गाड़ी हो सकता है, आपके पास बाकी बड़े बड़े चीज हो सकता है, दौलत हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, लेकिन कोई चीज आप उसे जुड़ा नहीं है, आप केवल यीशु से जुड़ा हुआ है। आमेन। एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोला प्रभु मैं सारा कल्पनाएं रखा है आनंद जीवन के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोला 10 कल्पना का पालन करो। तो वो तो बोला वो तो मैं बचपन से रखा है। प्रभु यीशु मसीह बोला ओके, तेरे पास जितना संपत्ति है सब दूसरों को देकर मेरे पीछे हो ले। अब बाइबल बता रहा है बड़ा दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी अटैचमेंट जो था उसकी संपत्ति से था। आमेन। व्हाट आर यू अटैच्ड इन योर सोल? आपके प्राण में क्या लगाव है? गॉड कैन गिव यू यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा चीज प्रभु आपके हाथ में देने के लिए। कल प्रभु बोलेगा वो दे दो, आप देंगे? प्रभु God is blessing the works of your hand. प्रभु आपके हाथों के काम को आशीष कर रहा है। God is blessing the works of your hand. प्रभु आपके हाथों के काम को आशीष कर रहा है। You're going to increase. आप बढ़ोतरी पाएंगे। God is going to bless him. और प्रभु आपको आशीष करने वाला है। God is going to lift him. प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। As I was standing there, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा था, I saw the hand of the Lord touching your hand. मैंने देखा परमेश्वर के हाथ को आपके हाथों को छूते हुए। God is doing something new in your life. और प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने वाला है। You don't know much about the Lord. आप प्रभु के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। But the Lord loves you. लेकिन प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। The Lord loves you. लेकिन प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। He will lift you up. वो आपको ऊंचा उठाएगा। As you remain faithful in the church. जब आप कलीसिया में विश्वासी होकर रहेंगे। God is going to lift you up. और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। Things are going to change in your life. और आपके जीवन में चीजें बदलने लगेगी। Something new is happening in your life. और कुछ तो नया आपके जीवन में हो रहा है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। I say, when I look at you, जब मैं आपको देखता हूँ, I don't know you. मैं आपको जानता नहीं। Why do I say? Properties of paper or something like that, something I don't know why, I don't know. Properties of paper. प्रेज जी आपने बोला कि पेपर वर्क्स ऐसा कुछ तो, जमीन के बारे में आपने बोला कि कुछ तो चीज है। प्रेज जी सही आपने भविष्य ने बराबर किया। मैंने भाई कह रहे कि इनके दादाजी मर गए हैं, तो दादा इनके पिताजी का हिस्से का जो जमीन है और घर है ये इनके नाम पर नहीं हो रहा है, दो साल से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके हाथों में वो जायदाद, वो जमीन के पेपर्स को आजाद करता हूँ। It's yours. वो आपका हो गया। Oh Jesus, hallelujah. Something is happening in your life. God is touching you right this moment. और कुछ तो आपके जीवन में हो रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। God is releasing things into your hand. प्रभु आपके हाथों में चीजों का आजाद कर रहा है। Things are going to move in your life from today onwards. आज से आपके जीवन में चीजें होने लगेगी। Things are going to change in your life. और आपके जीवन में चीजें बदलने लगेगी। What is A? A. Hallelujah. प्रभु जी आपने A नाम को बोला, पिताजी का नाम A से अशोक नाम आता है। अशोक। Releasing things into your hand right this moment. Things are going to move in your life. Things are going to move in your life. और आपके जीवन में अभी चीजें होने लगेंगी। Everything that has stopped in your life. और जो भी आपके जीवन में अब तक रुका हुआ था, I say it's moving.
मैं देख रहा हूँ वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है. And things are happening in your life. और आपके जीवन में चीजें होने लग रही हैं. Things are doing more. Things are happening in your life. और जो चीजें वो आगे बढ़ेगी और वो होने लग जाएंगे. And especially the property that is, you know, is released upon you. और जो खासकर जो जायदाद जमीन के वो आपके लिए आजाद हो गया है. ताली बजा यीशु के नाम पे. Thank you, Lord. What is prophesy, sir? 3-4 or 3-7? It just came immediately. Uh-huh. I don't know why. Which what is your number, sir? What is 3-4 or 3-7? I don't know why. I see it just Hallelujah. लेकिन सच में परमेश्वर आपके द्वारा गहरी गहरी बातें बताता है. आपने 34-37 कहा, आमेन. 34 कह रहे कि 34 ईयर में उनका प्रमोशन हो गया, आमेन. ये 34 साल में इनका मतलब प्रमोशन हुआ है. और 37 जो इनका प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था वो 37 ईयर के बाद में वो केस चालू हो गया, मतलब ओपन हो गया वो. यस हालेलुया. प्रेजी ये भाई वहाँ पर खड़े थे और आप उस भीड़ में गए और अपने इस भाई की ओर देखा और अपने भाई को टच किया और कहा कि आपके हाथ के ऊपर प्रभु का हाथ आ रहा है, प्रभु आपके काम को ऊंचा उठा रहे, प्रभु आज के लाइफ, प्रभु आपके लाइफ में कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ नया करने वाला है और प्रभु आपके हाथों के कार्य को बढ़ाने वाला है. अगर आप इस कलीसिया में बने रहेंगे प्रभु आपके जीवन कुछ अद्भुत काम करने वाला है. और अपने को देखकर प्रोफेसी भी की, कुछ पेपर वर्क, कुछ जमीन के बारे में अपने प्रोफेसी की और ये कह रहे कि इनके जो दादाजी का जो जमीन है जो इनके नाम पर हो ही नहीं रहा, कई सालों से जब परेशान है, मतलब जमीन जायदाद के लिए जमीन भी है और घर भी है लेकिन इनके नाम पर नहीं हो रहा था. और आपने ये भी भविष्यवाणी की क्या ए नाम से, और बिल्कुल इनके पिताजी का नाम ए से अशोक नाम आता है इनका, आमेन, जो ए से आता है वो भी भविष्यवाणी बिल्कुल करेक्ट है प्रेरित जी. और प्रेरित जी आपने 3-4-3-7 कहा, 34 साल में इनका प्रमोशन हो गया, आमेन, जो परमेश्वर ने आपको बताया. और 37 ईयर के बाद इनका प्रॉपर्टी का केस चालू हुआ. इनका 37 जो उम्र था तब से उनका वो जो प्रॉपर्टी का जो केस ओपन हो गया, आमेन. और ये विश्वास करते कि जो भविष्यवाणी आपने किया है, आमेन, वो भविष्यवाणी पूरी इनके जीवन में पूरी हो गई. इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद करते, आमेन. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Go in the peace of the Lord.